नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। तमिलनाडु की पुझाल जेल में कैद राज्य सरकार के मंत्री भी सेंथिल बालाजी को एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली में कोंडली ब्रिज के पास फल बाजार इलाके में डीटीसी बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक बस के खाई में दुर्घटनाग्रस्त होने से 5 लोगों की मौत हो गई। अब तक 28 लोगों को बचाया जा चुका है और आगे का बचाव कार्य जारी है। लद्दाख स्वायत्त पर्वत विकास परिषद करगिल चुनाव में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली है। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। इस युद्ध की वजह से मची तबाही ने सबको हिला कर रख दिया है। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली सेना गाजा पट्टी के बाहर 7 से 8 स्थानों पर हमास लड़ाकों से लड़ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्हें हमास के लड़ाकों के साथ लड़ाई में 19 से ज्यादा समय लग रहा है। बॉलीवुड के बाद शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने एक्टर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। किंग खान को अब वाई प्लस सिक्योरिटी प्रदान की गई है। पश्चिम एशिया में हमास के हमले के बाद इसराइल और फिलिस्तीन में शुरू हुए युद्ध का असर व्यापक हो रहा है। हमले के बाद आज पहली बार खुले बाजार ने शुरुआत में ही गोता लगा दिया। ममता बनर्जी के दो नेताओं के घर पर छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गरमा गई है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। सुप्रिया सुले ने व्यंगात्मक लहजे में कहा है, जब प्रफुल्ल पटेल को 70 पद देने की बात हुई तो शरद पवार ने अलोकतांत्रिक तरीके से काम किया यार, और बचकाना और हास्यास्पद है। जाति आधारित सर्वेक्षण को समय की मांग करार देते हुए शिवसेना उद्धव बालाजी ठाकरे गुट के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने दावा किया है कि देश में समाज का हर तबका और विपक्ष गठबंधन इंडिया के पक्ष में है। फिल्म एक्टर सलमान खान, सिंगर हनी सिंह जैसी हस्तियों को धमकी दे चुके गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने कांग्रेस विधायक असलम शेख के दफ्तर में फोन कर उन्हें भी धमकाया है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की और प्रत्येक परिवार के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर निशाना साधा है। भुजबल ने कहा, मैं महाराष्ट्र एनसीपी का पहला प्रांतीय अध्यक्ष भी हूँ, पार्टी निर्माण में हमारी भी हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र सरकार ने 1 साल के लिए महिला सशक्तिकरण अभियान चलाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य कम से कम 10 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण देना है। हमास के हमले के बाद गाजा में इसराइल की तरफ से हो रहे हमले में अब तक 450 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 91 बच्चे और 61 महिलाएं शामिल हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। फिल्म ने अपनी ताबड़तोड़ कमाई से सभी को हैरान कर दिया है। 7 सितंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। फिल्म की कमाई काफी स्लो है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में अपने सफर की शुरुआत सबसे मुश्किल मुकाबले में जीत के साथ की है। चेन्नई में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराते हुए वर्ल्ड कप में अपना अभियान शुरू किया। इसराइल और हमास के बीच जंग छिड़ गई है। हमास पर इसराइल की बमबारी जारी है। दोनों देशों के बीच शुरू हुए युद्ध से दुनिया भर में निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। युद्ध का असर अब कमोडिटी मार्केट सोना चांदी पर दिखने लगा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर।